पाइन ट्रीज देख सकते हैं। इस तरह से तिरछा करके दिखाता हूँ, ये सारा पाइन ट्रीज जीरो का पाइन ट्रीज है और मैं यहाँ इसी पाइन बगीचा में मैं खड़ा हूँ, यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सचमुच में ये जो बहुत अद्भुत एक सुंदरता दिखाता है हम लोग यहाँ में जीरो के लिए। और देखो ये है इनका लीव्स, इस तरह दिखाया जाता है। और ये पाइन ट्री से हम लोग क्या क्या कर सकता है, ये बार्क देखो, इसका चमड़ा देखो इस तरह का होता है। यहाँ में जो रसायन जो होता है, जो तेल निकलता है उससे हम लोग उसको साथी बोलते हैं, हम लोग साथी। और उस साथ से उसको कट कर हम लोग पहले जब अंधेरा में लाइट जब नहीं था तो उस समय हम लोग जला के चलता था। और ये पाइन ट्री से हम लोग क्या क्या कर सकता है, इसे हम लोग घर बना सकता है और इसे हम लोग गिरा के लकड़ी काट सकता है। लकड़ी कट कर जब वो म्योको फेस्टिवल या मुरू फेस्टिवल, जब भी बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है उसमें बहुत लकड़ी की बहुत ज़रूरत होता है, उस समय बड़ा बड़ा कट के जमा करके जलाया जाता है। लेकिन इसका धुआं जो ना बहुत काला कर देता है, और जिस घर में ये लकड़ी जलाता है उसका शक्ल देखने लायक होता है, ऐसा काला हो जाता है ना। और यहाँ मैं थोड़ा सा डिफरेंट एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अलग अलग पाइन का, यहाँ मैं एक बीच में एक अलग सा पाइन जो हम लोग का नहीं है, ये जो ना ये जो ये पाइन अलग है, ये हम लोग जीरो का पाइन का पाइन नहीं है। देखो इसके बर्क इसका इसको देख सकते हैं, इसको देखो और यहाँ डिफरेंट देखो, ये देखो कितना अलग है, यही है डिफरेंट। ये कहाँ से बीच से बीच में लगा दिया होगा, मिक्सअप कर दिया है जब प्लांटेशन करते समय में। और ये है उनका फल, इसको हम लोग साखू बोलते हैं, पुसा साखू। और इनका अंदर में जो बीज जो होता है ना, इनका इनका बीज जो है इनका अंदर अंदर, इसमें खोजने से दिखाई देगा, और वही बीज जो है गिरने के बाद छोटा छोटा पौधा बन जाता है। यही था हम लोग का पाइन ट्रीज का ये इंफॉर्मेशन।